खाद की किल्लत के बीच भारत ने लगभग 3.5 लाख टन डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी कि डीएपी का रूस से आयात किया है। अप्रैल से लेकर जुलाई महीने तक डीएपी की आपूर्ति पूरी हो जाएगी। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर व्यापार प्रतिबंध लगाए जाने के बीच ये आयात किया गया है। डीएपी के आयात के लिए इंडियन पोटैश लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, चंबल फर्टिलाइजर्स और कृषक भारतीय कोऑपरेटिव द्वारा 920 से $925 प्रति टन कॉस्ट प्लस फ्रेट की कीमत पर अनुबंध किया गया था। भारत द्वारा डीएपी की खरीद के लिए भुगतान की गई राशि अन्य देशों की तुलना में कम है। इस आयात से किसान को राहत मिलेगी। पड़ोसी देश बांग्लादेश के कृषि मंत्रालय ने इस महीने की शुरुआत में 8.12 लाख टन डीएपी के आयात के लिए बता दें $1,020 से $1,030 प्रति टन की वार्षिक निविदा की थी। इसी तरह इंडोनेशिया ने निर्यात के लिए $992 प्रति टन सीएफआर की दर से 25,000 से 26,000 टन के लिए भुगतान किया। वहीं डॉलर के मुकाबले स्थानीय मुद्रा कमजोर पड़ने के कारण पाकिस्तान $1,030 प्रति सीएफआर की दर से डीएपी का खरीद का अनुबंध नहीं कर पाया। हालांकि इससे दूसरे सप्लायर्स खासकर मोरक्को के ओसीपी समूह, चीन के वाईयूसी और सऊदी अरब के मॉडेन और SBIC पर दबाव डालने की संभावना है। बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए उन्हें कीमतों में कटौती करनी पड़ सकती है। सूत्र बताते हैं कि यह आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने के लिए एक स्मार्ट रणनीति है। इसके तहत हमने पहली बार अमेरिका से 47,000 टन यूरिया का आयात किया। ऐसा ही अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर छूट के लिए रूस से डीएपी की खरीदारी करना भी इसी नीति का हिस्सा है। गौरतलब है कि भारत डीएपी की खपत करने वाला एक बड़ा देश है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अप्रैल से जुलाई तक 9.5 से 9.8 लाख टन डीएपी की आपूर्ति हो जाएगी। इनमें से 3.5 लाख टन की आपूर्ति फॉस एग्रो द्वारा की जाएगी, जिससे मैक्सडेन और SBIC की हिस्सेदारी 2.8 लाख टन होगी और YPUC का हिस्सा 1.27 लाख टन और OCP का 1.03 लाख टन होगा। भारत ने 2021-22 में 4,007.50 मिलियन डॉलर मूल्य के बता दें 58.60 लाख टन डीएपी का आयात किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।